جاهند. اوكي ثانك يو. سري رويندر كمار پانڈے. धन्यवाद उपसभापति महोदय. आज अपना अपना विचार इस सदन में माननीय सदस्यगण ने रखा कि गंगा को हम कैसे बचाएं. गंगा हमारी माँ है और सदियों से इतिहास गवाह है कि गंगा का जो जल है वो अमृत के समान है. लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो उस पर डैम बना के हो चाहे अगल बगल जो शहर बसा हुआ है उसका जो कचरा है उसमें जा रहा है और नदी पोल्यूटेड हो रहा है. सरकार की योजनाएं बनती है लेकिन धरातल पर उतर नहीं रही है. चाहे वो विदेश से पैसा मिले गंगा के सफाई के ऊपर या भारत सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया हो लेकिन उसका उपयोगिता जो है सो न के बराबर है. हमारा सभापति महोदय आपसे आग्रह होगा कि अभी तक जितना खर्च हुआ है उसको हम कैसे सही उपयोग में ला करके और गंगा का सफाई करें और भविष्य में गंगा पोल्यूटेड नहीं हो. और साथ साथ झारखंड में दामोदर नदी भी है जो विश्व का जहरीला नदी में गिनती हो गया है उसका, उसकी भी सफाई की योजनाएं बनी लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है. आज के दिन में नदियों का जोड़ने का कार्यक्रम जब तक इसी लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आने वाले समय में अगर नदियों का जोड़ने का कार्यक्रम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी और आने वाले समय में जो दूसरा विश्व युद्ध होगा वो सिर्फ जल के लिए होगा. अब सरकार को चिंतन करना है. ये दोषारोपण का विषय नहीं है कि उत्तराखंड में कितना डैम बन रहा है और बिजली का उत्पादन हो रहा है कि कितना परसेंट बिजली का उत्पादन होगा. विषय यह है कि हम कैसे इस चीज को सुधार करें और भविष्य में जो हमारी नदियाएं हैं उनको कैसे हम सुरक्षित रखें. आपने जो मुझको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.